जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अंश पांडे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्प्ले ऑफ सेफ्टी साइन के बारे में जानेंगे। डिस्प्ले ऑफ सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्हों का प्रदर्शन, ये चार प्रकार के होते हैं। नंबर वन, प्रोहिबिटिव साइन, निषेधात्मक चिन्ह। इस प्रकार के साइन कुछ वर्क्स को फैक्ट्रीज में ना करने के लिए वार्निंग देते हैं, जैसे डू नॉट रन, नो स्मोकिंग, नो नेक्ड फ्लेम्स, साइकिलिंग प्रोहिबिटेड, नो पेडेस्ट्रियन। ये साइन सर्कुलर रेड कलर के बॉर्डर एंड क्रॉस बार, ये वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक फिगर द्वारा बनाए जाते हैं। नंबर टू, मैंडेटरी साइन, अनिवार्य चिन्ह। इस प्रकार के साइन वर्कर्स को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। वर्कर्स इस साइन से आसानी से समझ जाते हैं, जैसे वियर फुट प्रोटेक्शन, वियर हेड प्रोटेक्शन, वियर आइज प्रोटेक्शन, वियर हैंड प्रोटेक्शन, वॉश योर हैंड्स। ये साइन सर्कुलर ब्लू बैकग्राउंड पर वाइट कलर के फिगर द्वारा बनाए जाते हैं। नंबर थ्री, वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। इस प्रकार के साइन के द्वारा वार्निंग दी जाती है। वर्कर्स को इन साइन के द्वारा सचेत किया जाता है, जैसे रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, लेज़र बीम, जनरल वार्निंग या रिस्क ऑफ डेंजर। ये साइन ट्रेंगुलर येलो बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर के फिगर द्वारा बनाए जाते हैं। नंबर फोर, इंफॉर्मेशनल साइन, सूचनात्मक चिन्ह। इस प्रकार के साइन के द्वारा अनेक प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे फर्स्ट एड अवेलेबल, एमरजेंसी डोर, ड्रिंकिंग वाटर, एमरजेंसी फ़ोन, वेटिंग प्लेस, टॉयलेट। ये साइन स्क्वायर शेप में ग्रीन कलर के बैकग्राउंड पर वाइट कलर के फिगर द्वारा अथवा वाइट कलर के बैकग्राउंड पर रेड कलर की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिस्प्ले ऑफ सेफ्टी साइन के बारे में जाना है, लेकिन इसके अलावा हम लोगों को फर्स्ट एड, केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर, टाइप्स ऑफ फायर, इन सभी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आइए इन्हें भी समझते हैं। फर्स्ट एड, इसे हिंदी में प्राथमिक उपचार कहते हैं। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आने से पहले किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहलाता है। केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटका लगने का कारण। हमारे शरीर से 90 वोल्ट से अधिक इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। ये झटका विद्युत झटका होता है। ह्यूमन बॉडी के लिए डायरेक्ट करंट की अपेक्षा अल्टरनेटिंग करंट अधिक डेंजरस होती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 297,841.7 किलोमीटर पर सेकेंड, 1,86,000 मील पर सेकेंड होती है। फायर एक्सटिंग्यूशर, अग्निशामक यंत्र। सभी फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, लैब, सिनेमा हॉल्स में फायर एक्सटिंग्यूशर का होना अनिवार्य है, ताकि बिजली से या अन्य किसी कारण से आग लगने की स्थिति में उसे आसानी से बुझाया जा सके। फायर उन प्लेस पर वर्क करने वाले लोगों की लाइफ को डेंजर में डाल सकती है। ऐसे स्थानों पर इन यंत्रों का वहां पर होना ज़रूरी है, जिससे वे तुरंत ही प्रयोग में लाए जा सकें। फायर किसी भी कंबस्टन सील सब्सटेंस का जलना होता है। जब किसी पदार्थ का दहन होता है, तब ऊष्मा तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण होता है। आग लगने के लिए तीन कारणों की आवश्यकता होती है, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। अगर इनमें से एक भी खत्म हो जाए तो आग बंद हो जाती है। टाइप्स ऑफ फायर, दहन से होने वाले कंबस्टन सील सब्सटेंस के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। क्लास ए फायर, पेपर, वुड, क्लोथ्स आदि में लगी आग बुझाने के लिए वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। क्लास बी फायर, क्रूड ऑयल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड सॉलिड में लगी आग को बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। क्लास सी फायर,
LPG, CNG, गैस में लगी आग से विस्फोट होने की संभावना होती है। आग बुझाने के लिए ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। क्लास डी फायर, बिजली के वायर्स इंस्ट्रूमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं और सैंड फिल बकेट का भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको डिस्प्ले ऑफ सेफ्टी साइन के बारे में समझ में आया होगा। जय हिंद।